ইউক্রেনের সুমিতে আটকে ভারতীয় পড়ুয়া অনিমা আহমেদ, মিলছে না কোনো সাহায্য, শোনালেন দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা। अभी तक कुछ न्यूज नहीं आया ऐसे करके कि हम एवैक्यूएट करेंगे ऐसा कुछ, क्योंकि लगातार हम 3-4 दिन से ही सुन रहे हैं कि हाँ एवैक्यूएट करेंगे करेंगे, बट अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। सुबह उठते हैं हम बॉम्ब ब्लास्ट से, सोते हैं बॉम्ब ब्लास्ट से, हमेशा फायरिंग की आवाज आती रहती है। उस दिन भी कल 1 किलोमीटर दूर हमारे से, मतलब हॉस्टल से दूरी पे हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। और ऊपर से ये सब तो छोड़िए, ऊपर से सबसे ज्यादा दिक्कत तो आ रही है हमारी पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की नेटवर्क इश्यू आ रही है। हम इवन घर पे बात नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से, ना फूड है हमारे पास। सुबह उठते ही मतलब हमें चाहिए पानी फ्रेश होने के लिए, वो उसके लिए भी पानी नहीं होती। ऊपर से बाथरूम वगैरह इतना गंदा होते रहते कि हम जा ही नहीं पाते वहां पे। इंडियंस तो कोई नहीं निकला, बट नाइजीरियंस निकल गए हैं वो लोग। वो लोग आई थिंक खुद से निकले हैं, ऐसा नहीं कि हमने ट्राई नहीं कि हम लोगों ने भी ट्राई किए थे कि हम बसेस वगैरह में जाएंगे, बट हर जगह के रास्ते पे ब्रिज वगैरह सब टूटी पड़ी है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो हमारे बस भारत सरकार से ही दरखास्त है कि वो हमें आके लेके जाए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लाइक जब खारकी पे एक बच्चा की मौत हुई, बिनिसिया की एक बच्चे की मौत हुई, क्या भारत सरकार ये चाहते कि सुमी से कोई मर जाए तब हमें यहाँ से एवैक्यूएट करेंगे? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ। ये मैटर नहीं करता हम कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते, मेरा नाम क्या है, मैं किस जगह से हूँ, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि हम इंडियंस है, इसलिए तो निकालो हमें। ये नहीं कि कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, जब भी रिपोर्टर पहले पूछते तुम कहाँ से हो, आसाम से हो, अच्छा मध्य प्रदेश से हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये इट डजंट मैटर मैम। मैटर ये है कि हम इंडियंस है, हमें निकालो यहाँ। ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে ন্যাটোকে সতর্ক করল রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। সূত্রের খবর, মস্কোর আশঙ্কা অ্যান্টি এরিয়াল স্ট্রিঙ্গার মিসাইলের মতো যুদ্ধাস্ত্র জঙ্গিদের হাতে পৌঁছতে পারে, যার ফলে ভবিষ্যতে আকাশপথে জঙ্গি হামলার সম্ভাবনা থাকছে। আর এর পাশাপাশি 8ই মার্চ থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ করে দিতে চলেছে রুশ বিমান সংস্থা এরোফ্লোট। এদিকে 11 দিনে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ, এবার কানিভে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দখলের পথে এগোচ্ছে রুশ সেনা। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ইউক্রেন। একদিকে 5 রুশ বিমান, 4 হেলিকপ্টার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের। 11 দিনে রাশিয়ার 44টি যুদ্ধবিমান, 44টি হেলিকপ্টার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের। ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে ন্যাটোকে সতর্ক করল রাশিয়া, ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও সতর্ক বার্তা। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতোভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য ব্যানাজার, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।